Hello students, today we are going to design the attendance management app. Okay, so in this attendance management app, you can see this is the code. Okay, जिसपे आपका पूरा ये जो application है वो run करने वाला है. और ये इसका mobile simulator पे जो screen show हो रही है ये show हो रही है. ओके, सो इस पे जो सबसे पहले आप जो भी एप्लीकेशन आप बनाते हो उस पे आप डिज़ाइन करते हैं, देन उसके बाद कोडिंग करते हैं. ठीक है, सो अभी हम इस पार्ट पे, वीडियो के इस पार्ट पे हम इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, देन लेटर पार्ट पे हम उसका कोड करेंगे. ओके, सो एक बार हम इस एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं. ठीक है, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमने कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें बनाने हैं. ओके, सो जब इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, यू कैन सी गो पे क्लिक करते हैं. ठीक है, दैट वाज द होम स्क्रीन. ओके, गो पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास एक अटेंडेंस स्क्रीन आपके सामने आती है, जहाँ पे स्टूडेंट के नेम है और उसके सामने ये बटन्स दे रखे हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, मार्क द स्टूडेंट प्रेजेंट और एबसेंट बाई क्लिकिंग द ग्रीन और रेड बटन. ओके, सपोज रोहन इज एबसेंट, सचिन इज प्रेजेंट, ओके, रीता इज एबसेंट एंड कंचन इज प्रेजेंट. ओके, सो यू कैन सी जैसे हमने बटन पे क्लिक करा, ग्रीन पे क्लिक करते ही प्रेजेंट और रेड पे क्लिक करते ही इट इज शोइंग द एब्सेंट. ओके, अब देखिए जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरी स्क्रीन आ जाएगी, हमारी फाइनल स्क्रीन आ जाएगी और वहाँ पे जो एब्सेंट बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट बन जाएगी और प्रेजेंट बच्चे उनकी एक लिस्ट बन जाएगी. ओके, सो यू कैन सी. ओके, दिस इज ऑल द एप्लीकेशन पार्ट इन दिस अटेंडेंस ऐप. यानी कि इसमें ये तीन हमें स्क्रीन्स डिज़ाइन करनी है और उसके सारे एलिमेंट्स हमने डिज़ाइन करने हैं. ओके, सो एक बार हम डिज़ाइन डेटा हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें डिज़ाइन डेटा है. दिस इज़ द होम स्क्रीन और होम स्क्रीन के सारे एलिमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज़ द इमेज, लेबल एंड गो बटन. ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ दिस अटेंडेंस स्क्रीन और यहाँ पे आपने देखा है कि जैसे यहाँ पे ये सारे आपको ये बटन वन, बटन टू, थ्री, फोर. ओके, दिस इज द दीज आर द इमेजेस ऑफ द दीज स्टूडेंट्स एंड नेम वन, टू, थ्री, फोर, दीज आर द नेम्स. ओके, और ये आपके क्लिक बटन है प्रेजेंट और एबसेंट का, आईडीज हैं और ये लेबल्स हैं. ये एक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपने पुट करनी है और एक सबमिट बटन है. ओके, एंड द फाइनल है वो हमारी एक फाइनल स्क्रीन है जिसपे यहाँ पे ये फाइव हमारे पास एलिमेंट्स हैं, स्क्रीन है और एक प्रेजेंट टेक्स्ट एरिया है, एक एब्सेंट टेक्स्ट एरिया है और ये प्रेजेंट स्टूडेंट्स का लेबल है, दिस इज ऑन एंड ये एब्सेंट स्टूडेंट का लेबल है. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डिज़ाइन करनी है. ओके, नाउ वी विल डिज़ाइन, स्टार्ट द डिज़ाइन. ओके, सो इफ़ यू वॉन्ट हम इसमें जो आपकी डिफ़ॉल्ट थीम है उसके अलावा हम अलग बहुत सारी इसमें थीम्स अवेलेबल है, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं. सपोज वी वॉन्ट दिस थीम. ओके, वी हैव सेलेक्टेड दिस. अब हम स्क्रीन फर्स्ट को डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, तो स्क्रीन फर्स्ट का नाम हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं दैट होम स्क्रीन. ओके, होम स्क्रीन, दिस इज़ द होम स्क्रीन. ओके, अब इस पर हम क्या करेंगे, इसमें हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे. सपोज वी वॉन्ट टू पुट अ पिक्चर, अगर हम एक पिक्चर पुट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को पुट कर लेंगे. ओके, हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो. सपोज वी वॉन्ट हाइट ऑफ 300 एंड सॉरी विड्थ ऑफ 300 एंड हाइट इट इज़ ऑल्सो 300. ओके, दिस इज़ द हाइट एंड द विड्थ और इसको हम ड्रैग करके अकॉर्डिंगली इसको हम क्या करेंगे अपने स्क्रीन पे लगा देंगे. ओके, नाउ वी वांट टू अपलोड द पिक्चर. ओके, तो हम यहाँ पे जाएंगे, इमेज में जाएंगे, यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स ऑलरेडी यहाँ पे को अपलोड करी हुई है. अगर आपको अपलोड करनी है तो आप अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पिक्चर्स को क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे. सपोज वी वॉन्ट दिस. ओके, और इसको हम यहाँ पे आप फाइल को अपलोड कर लेते हैं. ओके, दिस टाइम वी वॉन्ट दिस पिक्चर टू बी चूज्ड. हम इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है, इट इज़ शोइंग ओके. ठीक है, ये तो ये हमारी जो अटेंडेंस एप्लीकेशन पे जो इमेज है वो हमने यहाँ पे लगा दी है. देन इन द सेम वे, लाइक आपको आपने यहाँ पे देखा था होम स्क्रीन पर एक लेबल है अटेंडेंस मैनेजमेंट, यानी कि एप्लीकेशन का नेम. ओके, तो उसके लिए हम ये टेक्स्ट सॉरी दिस लेबल, इस लेबल को हम यहाँ से चूज़ करते हैं. ठीक है, अब देखिए ये लेबल की वेट, दिस इज़ द होम स्क्रीन, आई शुड
चूज दिस लेबल। ओके, इस लेबल लेबल की आईडी हम यहाँ पे दे देते हैं एट एप्लीकेशन नेम, या फिर इसको दे देते हैं ऐप नेम। ओके, ऐप नेम, एप्लीकेशन नेम। ओके, यहाँ पे जो टेक्स्ट आएगा, ये टेक्स्ट आएगा दैट अटेंडेंस मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट। ओके, अब हम इसकी जो विड्थ और हाइट है इसको सेट कर लेते हैं। वी आर टेकिंग दिस 280 एंड वी आर टेकिंग दिस हाइट एज 125। ओके, और इसका हम फॉन्ट इंक्रीज कर लेते हैं। सपोज वी वॉन्ट दिस फॉन्ट एज 40। ओके ओके ओके, सो देर इज सम मिस्टेक। ओके, वी विल करेक्ट इट। ओके, नाउ इट इज ओके। ओके, बट इट इज स्टिल, इट इज नॉट करेक्ट। टेक्स्ट अलाइनमेंट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वी वॉन्ट दिस एज सेंटर। वी आर डूइंग वन थिंग। सपोज इसका हम फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, नाउ इट इज ओके। दिस इज ओके, एंड ड्रैग दिस ओवर हेयर। और जस्ट वी वॉन्ट टू चेंज द फॉन्ट। वी फॉन्ट कलर हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। बॉर्डर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। या इमेज, ओके सॉरी, दिस इज नॉट इमेज, दिस इज ऐप नेम। ओके, इसमें हम एक काम करते हैं, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। या दिस इज ओके। ओके, नाउ नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ बटन ओवर हेयर। ठीक है, यहाँ पे एक हम बटन लेंगे ओवर हेयर। ओके, वी आर टेकिंग वन बटन ओवर हेयर जिस पे लिखा होगा क्या, क्लिक मी, इन विच इट इज रिटन क्लिक मी। ओके, एंड इफ यू वांट फॉन्ट साइज, बॉर्डर विड्थ को इंक्रीज कर लेते हैं कुछ 5। या इट इज शोइंग ओके। बॉर्डर कलर वी कैन चेंज, वी वॉन्ट दिस ब्लैक, दिस रेड, दिस ब्लैक इज ओके। रेड शोज सम वार्निंग्स, वी यूज द रेड कलर फॉर वार्निंग, राइट। या बैकग्राउंड कलर वी कैन चेंज, वी वॉन्ट, इफ वी वॉन्ट लाइक, वी वॉन्ट दिस कलर, दिस इज शोइंग ओके। ओके, सो वी हैव क्रिएटेड दिस होम स्क्रीन। ओके, नाउ वी विल क्रिएट द अटेंडेंस स्क्रीन एंड नेक्स्ट द फाइनल स्क्रीन। ओके, सो वी विल गो दिस होम स्क्रीन एंड एड अ न्यू स्क्रीन ओवर हेयर। सो वी विल क्लिक ऑन दिस न्यू स्क्रीन। ओके, एंड वी आर गोइंग टू गिव द नेम वॉट, द अटेंडेंस स्क्रीन। दिस इज द अटेंडेंस स्क्रीन। ओके ओके, देन देन ओके, देन वी विल, व्हाट वी विल डू, हेयर यू कैन सी हेयर व्हाट वी हैव डन इन अटेंडेंस स्क्रीन। या वी हैव टेकन दिस वन लेबल, दिस इज द लेबल। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट एंड आई विल टेक अ लेबल ओवर हेयर। ओके ओके, एंड आई विल पेस्ट दैट टेक्स्ट ओवर हेयर। ओके ओके, नाउ जस्ट चेंज द कलर, सी टू वन थिंग, जस्ट चेंज दिस थीम, टेक सम लाइट लाइट थीम। ओके, सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इजीली। या रोबोट, या दिस इज ओके। ओके, एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस लेबल
increase the font size. We will take as 15. That is okay. And we should also increase its width. We can also drag from here. We can also work on this from here, okay? We can work instead of working from there, we can also work from here. See, in this way, text alignment, we want this as center. It is now centered, okay? And the width is little bit more, okay? This is okay. Now what we will do, we will add these buttons, this picture buttons, okay? What we will do, we will just drag this button over here, button over here, and just change this text as ID is button 1, okay? Text, there should be no text in it, okay? The width, just take the width as 65 and height as 75, okay? And what we will do, we will choose a picture because we want to upload a picture of the student over here, okay? See, it is a picture of Rohan we have taken. Choose this, okay? It is now shown, and we can give the border, we give the border radius. We want this 42, like, okay? And we can change the border color. We want this as black, and yeah, and text color is okay. That is not uses. Background color we can change. We want background color as black. Okay. So this is all about the button. Okay. This is all about the button. Okay. So then, okay स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली हम अदर स्टूडेंट्स की इमेजेस के लिए भी बटन हम इसी तरीके से बना सकते हैं. अब देखिए, एक हमने बटन बना दिया, हमने जो अदर बटन्स बनाने हैं वो भी हमने सिमिलर बनाने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डुप्लीकेट का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो बटन है, बटन को सिलेक्ट करके, दिस इज बटन 1, इसकी आईडी हमारी बटन 1 है, ओके? बटन 1, बटन 1, ओके, इट इज बटन 1, ओके? अब देखिए, अगर हमें ऐसे ही हमें अदर भी हमें सेम इसी कॉन्फ़िगरेशन के, इसी प्रॉपर्टीज के अदर बटन्स भी चाहिए, तो यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन है, ठीक है? हम डुप्लीकेट यहाँ पे से ले सकते हैं, और डुप्लीकेट लेकर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अदर जो हमारे जो इमेजेस हैं स्टूडेंट्स की, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं, देन वी विल चेंज द इमेज. सो इस वे पे हमने डुप्लीकेट्स लेकर और उन बटन्स पे इमेजेस को चेंज करके हमने यहाँ पे सारे जो बच्चों की जो पिक्चर थी वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है, ठीक है? अब इसके बाद जो हमारा वर्क है, इसके बाद हमारा वर्क है इसमें अटेंडेंस के लेबल लगाना और टेक्स्ट इनपुट लगाना, ठीक है? नाउ वी विल डू दैट थिंग, ओके? सो इसके बाद हम लगाएंगे दिस नेम, आईडी नेम, ठीक है? नेम 1, नेम 2. सो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक लेबल ले लेंगे, लेबल, वी विल पुट दिस लेबल, ओके? और इसकी हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट कर लेते हैं, वी विल पुट दिस लेबल एज लेबल, आई एम टेकिंग एज इज लेबल 1, ओके, सॉरी, आई विल टेक दिस एज नेम 1, नेम 1, नेम 1 फॉर दिस रोहन. इंक्रीज दिस फॉन्ट, ओके. सिमिलर इसी वे पे हम क्या करेंगे, इसको इसको डुप्लीकेट लेकर यहाँ पे सारे बच्चों के नेम्स यहाँ पे लगा लेंगे,
सिमिलर वे पे हमने इन नेम्स की कॉपी बना ली है, और जो कि ये फॉर्मेट है इसको मैं बस इसका जो मैं इसको इस तरीके से करना चाह रही हूँ, तो इसका मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट कलर मैं कर देती हूँ यहाँ से ब्लैक प्रॉपर्टीज़ में जाके, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको कर देते हैं हम कैसा, वाइट। सो यहाँ पर हमने सारे नेम्स के लिए हमने सारे लेबल्स हमने सेट कर लिए हैं, ठीक है। जैसे रोहन का लेबल है नेम वन, एंड वी विल नेम दिस एज नेम टू, ओके, नेम टू। सिमिलर वे फॉर द रीता, इट इज नेम थ्री, एंड फॉर कंचन इट इज नेम फोर, ओके। अब यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे इसका दिखाएंगे जो इसका प्रेजेंट टेक्स्ट एरिया है, ओके, प्रेजेंट टेक्स्ट एरिया, और उसके बाद इसमें दिखाया जाएगा इसका टेक्स्ट एरिया, ओके ओके, और इसका प्रेजेंट और एब्सेंट लेबल वी विल शो, ओके ठीक। देन विल शो दिस टेक्स्ट एरिया वन और टेक्स्ट एरिया टू विल टेक, सो वी विल कॉपी दिस, वी विल टेक दिस इनपुट, आई एम जस्ट गोइंग टू डिक्रीज इट साइज नाउ, ओके। एंड द टेक्स्ट इनपुट आई विल टेक टेक्स्ट इनपुट वन, सिमिलरली आई विल कॉपी ऑल दिस डुप्लीकेट, आई विल डुप्लीकेट वन फोर, ओके। आई विल जस्ट प्लेस आई विल जस्ट टेक्स्ट इनपुट, आई विल जस्ट अगेन डुप्लीकेट, ओके, एंड आई विल प्लेस इट विथ ऑल दीज नेम्स, इन दिस प्लेस होल्डर वी विल शो वेदर द स्टूडेंट इज प्रेजेंट और इट इज एबसेंट, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दैट प्रेजेंट एंड एबसेंट बटन, ओके। सो वी विल टेक दिस बटन, ओके, एंड देन वी आर सेइंग दिस एज प्रेजेंट वन, प्रेजेंट वन बटन, ओके, एंड वी विल जस्ट अप्लाई इट्स विड्थ एज 45 एंड हाइट एज 50 एंड बॉर्डर रेडियस एज 4, या दैट वाज आल्सो ओके, इट इज आल्सो ओके, 42 इज ओके, एंड वी विल जस्ट डिलीट दिस टेक्स्ट फ्रॉम हेयर एंड बट अप्लाई अ इमेज ऑन इट, हेयर हेयर इट इज द इमेज, ओके, प्रेजेंट इमेज, वेट, वी विल जस्ट चूज दिस इमेज ओवर हेयर, ओके। सो दिस इज डन, एंड आई वॉन्ट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर एज वाइट, ओके, इट इज डन नाउ। सिमिलरली वी विल जस्ट डुप्लीकेट दीज बटन्स फॉर ऑल ऑल ऑफ दैम, ओके, वन टू थ्री, ओके, थ्री बटन्स, एंड वी विल जस्ट प्लेस इट नियर दीज प्लेस होल्डर्स, ओके। सो सिमिलरली वी विल क्रिएट ऑल द प्रेजेंट बटन फॉर एवरी स्टूडेंट एंड ऑल द एब्सेंट बटन फॉर एवरी स्टूडेंट, ओके। हियर यू कैन सी दिस इज एब्सेंट बटन वन, दिस इज एब्सेंट बटन टू, थ्री एंड फोर, ओके।
जस्ट यूज दिस डुप्लीकेट बटन, डुप्लीकेट ऑप्शन, डोंट डोंट क्रिएट, डोंट गिव प्रॉपर्टी फॉर, डोंट क्रिएट एवरी बटन सेपरेटली, जस्ट क्रिएट वन एंड देन डुप्लीकेट इट. ओके, सो नाउ वट वी विल डू, वी हैव टू क्रिएट दिस सबमिट बटन. ओके, दिस इज अ सिंपल सिंपल थिंग. वी विल जस्ट ड्रैग वन बटन ओवर हेयर. दिस इज द बटन. ओके, दिस इज, जस्ट गिव इट नेम एज सबमिट, सबमिट बी टी एन, सबमिट बटन. ओके, एंड देन द हेयर लाइक द टेक्स्ट सबमिट, राइट दिस टेक्स्ट. ओके, एंड विल जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज टू 20. ओके, सो इन दिस वे यू कैन create the attendance screen. Now we will move to the final screen. Okay, so for this we will take a new screen over here. Here we will see, okay, what are the elements of this final screen. Here we have to take these elements. First, present text area, this text area and this absent text area. Okay, so just this is the text input. Okay, this is the present text area. We are just dragging it and accordingly we will do. Okay, this is the present text area. Okay, and just duplicate it, and this is the second text area. We will just give its name over here. We will give just this first one is present text area. Okay, so present text area, and we will just copy it and we will choose this element, paste it and write it as absent text area. Okay, now we will just take two labels, list of students who are present and list of students who are absent. Okay, I want to just copy and paste, control C, and we will take this label. Okay, and just paste this text over here, list of students who are present. Increase the font size to 20. Yeah, it is okay. Take this, and if we want to change the font, we want font as black, and we want, yeah, this is okay. This is okay. Okay, and just duplicate it. See, this is the simplest method, okay, for duplication. Just write list of a student who are absent. Okay, here you can see list of students who are absent. Okay, if you want to change the color of this screen 3, we want to change that ID also. This is final screen. Okay, we want to change its background color. We just take this one. Okay, it is looking nice. Okay, so the design part of the application is done, and the next one is the code part. We will do this in